चहिंद, कैसे हैं आप लोग? और आप सोच रहे होंगे आज मुझे बहुत देर हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, जो सुबह वाला काम है वो पहले निपटा के चला गया था मैं। और इस समय बज रहे हैं 8:05, दिन सोमवार और तारीख है 28 जून। आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं एक नया काम करने वाला हूँ। मैं आपसे पहले भी कह चुका था, एक बार मैंने कहा था अपनी एक वीडियो में कि तोते नहीं पालने चाहिए, आपको याद होगा शायद, क्योंकि एक अनंत आकाश में उड़ने वाला जीव है और हम उसको क्या करते हैं, एक बाई एक के पिंजरे में कैद कर देते हैं फकत अपने शौक के लिए। तो कहाँ तक ठीक है, अनुचित है ये। अगर कोई मुझसे कहे कि मैं अपने घर में रह लूँगा और सारी सुख सुविधाएँ उसको उपलब्ध कराई जाएंगी, तो नहीं रह सकते हैं। और हम इस चीज़ का अनुभव इस कोरोना काल की वजह से जो लॉकडाउन लगा था पिछले वर्ष भी 25 जून से और इस वर्ष भी, उसमें कर चुके हैं, तो ये गलत है। तो मेरे यहाँ क्या है, मेरे यहाँ दो तोते हैं, तो मैं पहले उनसे परिचय करा दूँ आपका, उसके बाद में फिर अगली बात करता हूँ मैं आप लोगों से। तो आइए मैं मिलवाता हूँ आपको उनसे। डरते बहुत हैं ये देखिएगा आपके सामने ये दो तोते हैं और ये डर रहे हैं। इनमें जो ये कंठी वाला है, ये मुझे मिला था दिसंबर 2019 में, जो है सड़क से, मैं किसी कार्य से बाहर गया था अपने दोस्त के यहाँ, तो ये वहाँ सड़क पे बैठा हुआ था और ये उड़ा नहीं देख के। अब एक्चुअली मुझसे नीचे बैठा नहीं जाता है, तो मैं ई रिक्शा में था, तो मैंने उनसे भैया से कहा जो रिक्शा वाले थे, मैंने यार इसको पकड़ लो, तब उन्होंने मुझे इसे पकड़ के दिया। और उस समय इसकी जो शारीरिक स्थिति थी वो बहुत बुरी थी, इसके पर उर कुछ नहीं थे, और ऐसा नहीं है कि ये बच्चा था उस समय, ये मैच्योर था, लेकिन जहाँ ये पल रहा होगा पता नहीं उन्होंने इसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, इसके सारे पर उखड़े हुए थे। और फिर अब तो लगभग इसे मैं समझता हूँ 1.5 वर्ष हो गया मेरे यहाँ आए हुए, और अब ये उड़ने की स्थिति में है, मुझे लगता है अब ये उड़ जाएगा। और ये दूसरा वाला जो है जिसके गले में कंठी नहीं है, आपका राइट में जो है इस टाइम ये उछल कूद कर रहा है, ये शायद मादा है। और इसको लाया था मैं फरवरी में इसी वर्ष 2021 में बाजार से, मैं बाजार किसी काम से गया था, वहाँ तोते बेचने वाला तोते बेच रहा था, तो मेरी नज़र इस पर पड़ी, तो ये बहुत कमज़ोर था शारीरिक रूप से। तो अब आप ये सोचेंगे कि जब मैं तोते पालने का विरोध करता हूँ तो मैंने क्यों पाल रखे हैं। मैंने सिर्फ इन्हें इसलिए पाला हुआ था कि जिस दिन भी इनकी शारीरिक स्थिति ऐसी हो जाएगी, इनकी मतलब ये इस तरह से मनोदशा ऐसी हो जाएगी उड़ सकते हैं ये, तो उस दिन मैंने उड़ा दूंगा। तो आई थिंक मुझे अब लगता है कि ये उड़ जाएंगे, तो आज मैं इन्हें उड़ाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि देखिए जो है फ्रीडम फ्रीडम होता है, और स्वतंत्रता जो है वो किसी को बुरी नहीं लगती है, चाहे उसमें इंसान हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो। और आप किसी हर चीज़ का जो है संचय नहीं कर सकते, आप स्टॉक नहीं कर सकते उस चीज़ को, और इसी तरह से आप हर चीज़ को पाल नहीं सकते हैं। तो एक अनंत आकाश में उड़ने वाला जीव आप अपने शौक के लिए पिंजरे में ना रखें, प्लीज़, मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन और प्रार्थना है ये। आप इनकी मनोदशा समझिए, इस टाइम इनके दिमाग में क्या चलता होगा जब ये पिंजरे में रहते हैं, और वो भी लोहे के पिंजरे में, जब इच्छा है जब उड़ेंगे, जब इच्छा है जब बैठेंगे, लेकिन अभी हमारे हिसाब से रहते हैं, जब खाना भी हम अपना टाइम नहीं हमारा, हम उसके हिसाब से देंगे। लेकिन मैं ये बता दूँ, ये जो कंठी वाला तोता है जो इस टाइम बैठा है सामने आपके लिए इधर लेफ्ट में, ये बड़ा शरारती है, बिना चावल के इसे रोटी हजम नहीं होती है, रोज़ इसके लिए चावल बनाती है मेरी माँ, चाहे घर में खाए जाएँ या ना खाए जाएँ। मैं चावल और दही अवॉइड करता हूँ क्योंकि मेरा पेन बढ़ जाता है, पता आपको मेरे पैरों में दिक्कत है उसकी वजह से। अब इस मोटी की बात करते हैं जो ये मादा है। अच्छा, जो जिनके कंठी होती है ऐसा कहा जाता है कि वो नर होते हैं वो, और जिनके कंठी नहीं होती है वो मादा होती हैं। तो एक मेरे पास ये नर है और एक मादा है। अब इस मादा पे आते हैं, इसके भी बहुत दिमाग ख़राब है, और मेरे घर में तो कोई भी आ जाए दिमाग ख़राब हो ही जाते हैं भाई। इसके इसलिए दिमाग ख़राब है, इसने खाना है और खाने के बाद में कटोरी उल्टी कर देनी है तुरंत, पानी पीना है और पानी बिखेर देना है, एक मिनट नहीं लगाती ये बर्बाद करने में किसी भी तरह का कुछ। लेकिन वो जो है थोड़ा शांत स्वभाव है, और ये जो है ये हुड़दंगी है, ये मेरे पे गई है। तो मैं आज खोलता हूँ इन्हें, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ,
कि ये बाहर जाके सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि देखिए पिंजरे में रह के और बाहर उड़ना और अपने खाने पीने के लिए प्रबंध करना जो है बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन स्वतंत्रता सर्वोपरि है तो उसको जो है मान्यता प्रदान करनी चाहिए। और मैं भी वही कर रहा हूँ और आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि आप तोते ना पालें प्लीज़, और अगर पालें तो खुले पालें, आप पिंजरे में ना पालें। अच्छा, फिर तोतों के विषय में एक बात और कही जाती है, किस तरह के लोग आर्गुमेंट देते हैं कि साहब तोता जो है वफादार नहीं होता, तोता उड़ जाता है। यार ये कोई बात है? आप किसी जो है किसी भी चीज़ को, कोई जिसमें आत्मा निवास करती है, आप उसको बंद करके रखेंगे और उससे फिर ये अपेक्षा ही पालेंगे आप कि अगर वो खुलेगा तो उड़ेगा भी नहीं? जेल में रहने का शौक होता है किसी को? बताइए आप मुझे, कोई व्यक्ति जेल में कब तक रह सकता है? बड़ा कठिन कार्य है ना, तो इनको भी नहीं है। तो चलिए मैंने उड़ा के देखता हूँ कौन सा रहता है, कौन सा उड़ता है। हाँ नीचे इसे इसे डेजी को बंद कर दी, गेट बंद कर दी उधर का। मैं इस पिंजरे को जो है नीचे रखूँगा क्योंकि इनको टांगा जाता है तो डरते हैं थोड़ा ये। कोई बात नहीं, वहीं खड़ी है। चलो बेटा आप लोग आज़ाद हो, चलो बाहर, चलो उड़ सकते हो आप। मुझे पता है पहले ये मोटी निकलेगी। मिट्ठू थोड़ा शांत है हमारा, ये बहुत ज़्यादा उड़ दंगी है, थोड़ा टाइम लेंगे ये उड़ने में। बच्चों मैं आज़ाद कर रहा हूँ तुम्हें, है ना? बहुत अच्छा समय बिताया तुम लोगों ने हमारे साथ, सारी जो है सुख सुविधाओं का ध्यान रखा मैंने तुम लोगों की, बराबर फल भी खिलाए तुम्हें। मिट्ठू उड़ जाओ बेटे, अब उड़ सकते हो आप, है ना? उड़ो, चलो पिंजरा सिर्फ मैं इनके लिए लेकर आया था, और मुझे बड़ी खुशी है कि दोनों आज़ाद हो गई है। और भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करूँगा कि लंबा जीवन जिए। और मिट्ठू 1.5 साल से मेरे साथ था, तो थोड़ा मेरी बहन छोटी जो है वो ज़्यादा उदास है आज, वो नहीं चाह रही थी इन्होंने उड़ाया जाए, लेकिन फिर भी मैंने उड़ा दिया, उसे समझाया मैं, और पिछले 1 हफ्ते से समझा रहा था मैं उसे कंटिन्यू कि इनको उड़ा दो, इन्हें उड़ा दो, तो आज जाके वो मानी है कि इन्हें उड़ा दिया जाए। तो आप देखिएगा ये पिंजरा नहीं है, ये कैद है, और सिर्फ इनके लिए लाया था मैं इतना बड़ा ये, कि जिससे कम से कम पढ़ तो फड़फड़ा लेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है, बहुत खुश हूँ मैं कि ये दोनों उड़ गए। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, देखिए तोते जो बेचते हैं उनका काम है तोते बेचना, उन्हें अपना जीवन यापन करना है, तो अपराध उनका नहीं है कि वो तोते बेच रहे हैं। बाजार का एक नियम है कि मांग जो है जो वो आपूर्ति पर निर्भर करती है, आप खरीदना बंद कर देंगे वो बेचना बंद कर देंगे। बाजार में वो चीज़ बिकती है जिसकी मांग होती है, वो चीज़ नहीं बिकती कभी भी जिसकी मांग नहीं होती है। और आपको अगर खरीदना ही है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उससे तोते वाले से तोता लें, उसको 2-4 दिन तक रखें। आपने वो पिंजरा देखा जिसमें वो तोते देते हैं, वो जरा सा होता है बताइए आप, उसमें उनके पर भी नहीं खुल सकते हैं, उड़ेंगे तो क्या वो बेचारे। तो मैं भी उसी में लाया था उसको, जो मादा थी, और उसके वो तो बाद में आई थी, जो पहले मिट्ठू था वो सड़क से पकड़ के लाया था, मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद में 2 दिन बाद में पिंजरा ले आया था मैं। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आप तोते खरीदें, 2-4 दिन रखें उन्हें, और उसके बाद उन्हें स्वतंत्र कर दें।
अगर ऐसा संभव है करने में। वरना एक तरीका और है कि आप उस तोते वाले से पूछें, भैया कितने के तोते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से थोड़े से संपन्न हैं, आप उसको पैसे दें और वहीं ऑन द स्पॉट आप उनको आज़ाद कर दें। इन चीज़ों से, इन छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी खुशी मिलती है। हमें तो मिलेगी मिलेगी, उन्हें भी मिलेगी, उन्हें आज़ादी मिलेगी। और आज़ादी सबके लिए मायने रखती है। हम लोगों ने, भारत के लोगों ने आज़ादी के लिए कितना संघर्ष किया है, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। तो आज़ादी सबके लिए महत्व रखती है। और ईश्वर से इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि स्वस्थ और लंबा जीवन जिए दोनों। आज के लिए इतना काफ़ी है। और आपसे पुनः आग्रह है कि आप तोते ना पालें, सभी पशु पक्षियों का ध्यान रखें, आप इनसे प्रेम करें, स्नेह करें आप इनसे। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।